तो बॉयज़ वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और PS5 की एक ऐसी एक्सेसरी आने वाली है जो PlayStation 5 से भी ज़्यादा महंगी है। अरे थे PS5 थे भाई नहीं कट्टे हुए। एंड या दैट इज़ ऑफिशियल फ्रॉम सोनी। 2022 में ही हमें सोनी की तरफ से सोनी का PlayStation VR 2 मिल जाएगा। Today I'm thrilled to announce the official names for our next gen VR system, PlayStation VR 2. So what is this PlayStation VR 2? पिछले PSVR से जो 2016 में लॉन्च हुआ था उससे ये किस तरह बेहतर है और essentially पाकिस्तान में इसकी क्या प्राइस होने वाली है? That is essentially what we're gonna talk in today's video. So make sure you watch this video till the end. Starting off with the aesthetics and इसकी looks के बारे में थोड़ी सी बात करें तो it's very similar to PlayStation 5. The PlayStation 5 में हमें angular aesthetics मिले हैं. Same goes here with the PlayStation. जैसे हमें VR 2 के इस वक्त design officials तो confirm नहीं है लेकिन these are a few leaks and rumors जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे. And this is what essentially PlayStation VR 2 looks like. जब 2016 में PlayStation VR 1 लॉन्च हुआ था तो वो कोई इतनी बड़ी सक्सेस नहीं थी और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि VR गेमिंग उस पॉइंट पे काफ़ी अर्ली स्टेजेस में थी और उसमें केबल्स का इतना ज़्यादा गंद होता था कि अ लॉट ऑफ पीपल डिडंट रियली प्रेफर्ड इट और वो कोई इतना कन्वीनियंट नहीं था। लेकिन ये जो केबल वाला मसला था द अपकमिंग PlayStation VR 2 कम्प्लीटली सॉल्व्स इट और हमें PSVR से PlayStation 5 तक सिर्फ और सिर्फ एक USB-C की केबल लगानी है जो सारा डाटा और सारी पावर एक ही उस केबल से ट्रांसफर कर देगा। तो वायर्स का लोरा इधर हमें बिल्कुल खत्म होता नजर आ रहा है। इसके कुछ की फीचर्स के बारे में बात करें तो PlayStation VR 2 में हमें 4K डिस्प्ले मिलेगा जिसका व्यूइंग एंगल 110 डिग्रीज है। उसके अलावा इसमें हमें 3D ऑडियो और काफी अच्छा फीडबैक मिलेगा जिसके बारे में हम वीडियो में आगे चल के बात करते हैं। प्लस देयर इज अ न्यू फीचर जो अभी तक किसी VR हेडसेट में नहीं देखा गया, दैट इज आई ट्रैकिंग, जिसके बारे में हम आगे चल के बात करते हैं। लेकिन फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द कंट्रोलर्स इस VR हेडसेट के साथ लॉन्च होने हैं जिसका सोनी ने नाम सेंस कंट्रोलर रखा है। अब पिछली दफा से कैसे बेहतर है? इट्स वेरी सिमिलर टू अ डुअल सेंस जैसा PlayStation 5 का डुअल सेंस कंट्रोलर है। ये कंट्रोलर इज वेरी सिमिलर टू दैट, लेकिन ऐसा लगता है कि डुअल सेंस कंट्रोलर को आधा करके दो कंट्रोलर्स बना दिए गए हैं और इट्स अब मोर स्प्लिट अपार्ट। लो इसके अलावा डुअल सेंस की तरह हमें इसमें हैप्टिक फीडबैक और USB-C रिचार्जेबल कनेक्शन मिलता है एंड इस बिल्कुल डुअल सेंस की तरह ही हमें इसमें हैप्टिक ट्रिगर्स मिलते हैं। तो जो इंप्रूवमेंट डुअल शॉक से हमें डुअल सेंस में मिली थी वो सारी इंप्रूवमेंट हमें PSVR 1 के कंट्रोलर से PSVR 2 के कंट्रोलर मिलेगी। तो दैट इज अ वेरी गुड अपग्रेड। अब जब हैप्टिक फीडबैक मिल रही है और अडैप्टिव ट्रिगर्स मिल रहे हैं, हमें VR में एक वाइब्रेशन का सिस्टम मिल रहा है जिसके बारे में हमारे पास कुछ बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन व्हाट वी नो इज के बेस्ड ऑन द गेम प्ले आपका हेडसेट थोड़ा सा वाइब्रेट करेगा ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस, थोड़ा सा बेहतर और इमर्सिव एक्सपीरियंस मिल सके। नाउ अब जब ये अडेप्टिव ट्रिगर्स, हैप्टिक फीडबैक और जो आपके हेडसेट की फीडबैक है जब वो सारी कंबाइन होंगी तो वो आपको आपके वर्चुअल रियलिटी के एक्सपीरियंस को पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर बना देगा। बस उससे पहले मैं आई ट्रैकिंग वाले फीचर की बात कर रहा था। इट्स द फर्स्ट एवर इन एनी VR हेडसेट जिधर हमें आई ट्रैकिंग मिलती है। अब व्हाट एक्चुअली आई ट्रैकिंग इज के हेडसेट आपकी आईज के आई बॉल्स को ट्रैक करेगा और जिधर वो आई बॉल्स उधर जो दो इंडिविजुअल डिस्प्लेज होंगे हेडसेट के वो आपका सारा फोकस या सारे पिक्सल्स आपके आई बॉल्स के पास इकट्ठे कर देगा। उसका फायदा ये होगा कि जिधर जिधर आपके आई बॉल्स हैं उधर VR डाटा प्रोसेस करेगा और बाकी जगहों पे डाटा प्रोसेसिंग बच जाएगी जो डेफिनेटली मोर एफिशिएंट गेमिंग की तरफ हेडसेट को लेके जाएगा और लैग्स वगैरह हमें इसमें कम देखने को मिलेंगे। टॉकिंग अबाउट द गेम्स, तो इस वक्त हमें सिर्फ PlayStation की तरफ से सिर्फ एक ही गेम का अनाउंसमेंट मिल गया, दैट इज होराइजन कॉल ऑफ द माउंटेन्स। और फील लाइक इन लॉन्च पे इट इज अ ग्रेट गेम और प्लस PSVR 1 की हमें सारी लाइब्रेरी मिलती है, डेफिनेटली हम PSVR 2 पे वो सारी गेम्स खेल सकते हैं। प्लस लॉन्च पर सोनी इसमें डेफिनेटली काफी ज्यादा टाइटल्स ऐड करेगा। उसके अलावा ऐसी भी रूमर्स आ रही हैं कि PlayStation 5 की जो गेम्स होंगी उसमें हमें एक ऑप्शनल VR का मोड मिलेगा जिसमें वो गेम्स प्रॉपरली VR पर खेली जा सकेंगी। एंड और मुझे लगता है कि अगर ऐसे हुआ तो PlayStation को Xbox के ऊपर एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एज हो जाएगा। लाइक रिसेंटली Xbox इज पुशिंग इट्स गेम पास अ लॉट और Xbox तो अब कह लो कि पकड़ा ही नहीं जा रहा। एंड इफ सोनी इज कमिंग विद दिस PSVR 2 तो आई डोंट नो व्हाट कैन Xbox रियली डू। तो जिधर Xbox की तरफ एक गेम पास की मोनोपोली आ रही थी और काफी ज्यादा यूजर्स Xbox पे शिफ्ट हो रहे थे, दिस इज अ न्यू स्ट्रेटजी फ्रॉम सोनी। सोनी ने कन्फर्म कर दिया कि दे आर गोना लॉन्च अ PSVR 2 जो आपके वर्चुअल रियलिटी गेमिंग एक्सपीरियंस को एक न्यू लेवल पे ले जाएगा और इसमें ऐसे काफ़ी फीचर्स हैं जो आज तक पहले किसी VR हेडसेट में इंट्रोड्यूस नहीं करवाए गए। नाउ दैट्स रियली नॉट अ प्रॉब्लम, PSVR 2 एक बहुत अच्छी डिवाइस है और बेयर इन माइंड दैट कि आप इसको सेपरेटली नहीं खेल सकते, ये PlayStation 5 की एक एक्सेसरी है और इसको गेम्स खेलने के लिए आपको इसको PlayStation 5 से कनेक्ट करना पड़ेगा। द मेन प्रॉब्लम हेयर अराइजेज विद द प्राइस। PSVR 2 की प्राइस $500 to $600 इस वक्त प्रेडिक्ट की जा रही है एंड द मेन रीजन फॉर दैट इज के PSVR 1 जब लॉन्च हुआ था इट्स प्राइस वाज $400। तो कंसिडरिंग के PlayStation 5 की प्राइस लॉन्च पे ही $500 थी, इस बात के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि PSVR 2 की प्राइस भी $500 और
देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि $600 भी हो सकती है। इफ दैट हैपेंस तो डेफिनेटली डॉलर्स में तो आप $500-600 की चीज ले सकते हो, बट व्हेन इट कम्स इन पाकिस्तान और इधर प्लेस्टेशन 5 अफोर्ड करना इतना मुश्किल है। पीएस वीआर 2 की प्राइस कम से एक्सपेक्टेड वेरी अराउंड 125,000 से 150,000, रेट अराउंड 1.25 लाख से 1.5 लाख। तो पहले थे PS5 थे भाई नहीं कटे हुए। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो व्हाट यू गाइस थिंक, आप प्लेस्टेशन वीआर 2 के बारे में क्या सोचते हैं दैट इज लॉन्चिंग दिस ईयर। अगर पीएस वीआर 2 लॉन्च होता है तो would you guys really buy it? That's basically it for today's video. Hope you guys enjoyed it. Make sure to drop a thumbs up and subscribe to the channel down below. See you guys in the next one. Allah Hafiz.